स्वर्ग जामा मस्जिद सदर के लिए 5 उम्मीदवारों के मानस भवन में मतदान हुआ। 3,275 मतदाताओं ने अपने कीमती मतों का उपयोग कर रिजवान खान को सदर चुना। राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निर्देशित दुर्ग शहर जामा मस्जिद के लिए सदर चुनने मुस्लिम समाज का आम चुनाव किया गया, जिसके चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए शासन द्वारा बनाई गई चुनाव टीम के द्वारा सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण की गई। शहर जामा मस्जिद सदर पद के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया था और अपना पक्ष रखा था, तो वहीं चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए नौशाद खान ने चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को अपनाते हुए शहर के सभी 60 वार्डों को बूथ बनाकर 3,275 मतदाताओं के लिए कक्ष बनवाया। गौरतलब है कि दुर्ग शहर जामा मस्जिद सदर पद के लिए हुए चुनाव में दुर्ग के मानस भवन में मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में उत्साहित नजर आए। सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर लोगों ने अपने कीमती मत का उपयोग किया, जिसमें कुल 1,631 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग करते हुए मोहम्मद रिजवान को 704 वोट देकर जामा मस्जिद का सदर चुना। चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने बताया कि मतदान केंद्रों में 15 लोगों की अलग टीम बनाकर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों में तैनातियां की गई थी। रविवार को संपन्न हुए उस चुनाव में मोहम्मद रिजवान को 704 वोट मिले तो अब्दुल लतीफ को 494 व मोहम्मद रजा खोखर को 409 मत मिले। वहीं वोटों की गिनती के बाद चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने परिणाम डिक्लेयर करते हुए मोहम्मद रिजवान खान को जामा मस्जिद सदर के लिए विजेता घोषित किया। शाम को मतदान केंद्र में जायजा लेने पहुंचे दुर्ग SDM मुकेश रावटे ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं जीत के बाद सदर मोहम्मद रिजवान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, जामा मस्जिद मुतलबे के लिए चुनाव कराया गया था, जिसमें 5 कैंडिडेट थे और चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने भाईचारे से पूर्ण कराया है और बहुत अच्छा चुनाव रहा, और जिसमें रिजवान जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें मतलब उन्होंने बहुत 210 वोटों के अंतर से विजय हासिल। समाज मेरा पूरा सपोर्ट करे, क्योंकि मैंने जैसे बाब दुरमान शाह का भी सरकार की खिदमत करना, वैसे मैं जामा मस्जिद की खिदमत करना चाहता हूँ, समाज का सपोर्ट। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।